Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अदर GTA 5 रियल लाइफ मॉड। और गाइस इस वक्त यार हमें आई है मैनेजर की कॉल आई है, और वो कह रहे हैं कि शोरूम पे यानी कि कस्टमर वगैरह आए हुए हैं, और आप इस वक्त यानी कि जल्दी से आ जाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आए हुए हैं इस वक्त, और आप यानी कि साथ मौजूद होंगे। फिर हमने कुछ से हमारी बातचीत भी चल रही है, और वो गाड़ियाँ यानी कि काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और मज़ीद यार गाड़ियों की यानी कि और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस वक्त उन्हें बताया है कि इस गाड़ियों में यानी कि 3-4 किस्म के यानी कि गाड़ियाँ भी आती हैं, VXL या इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मॉडल, और साथ साथ हमने उन्हें कुछ यानी कि कलर वगैरह के बारे में बताया है कि इसमें रेड कलर, ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और वाइट कलर, इस तरह के कलर आते हैं। तो उन्होंने यानी कि और मज़ीद उन्होंने कहा है कि आपने यानी कि हम अभी कुछ तो बाय कर रहे हैं यानी कि वाइट वगैरह और ग्रे कलर में, लेकिन वो मज़ीद जो कस्टमर आ रहे हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें रेड कलर भी इसमें यानी कि इम्पोर्ट करके आप पाकिस्तान से हमको इम्पोर्ट करवाएं, और हमें यानी कि ये गाड़ियाँ चाहिए होंगी। शायद यार यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो आपने यानी कि गाड़ियाँ इम्पोर्ट करवानी है। इसका मतलब यार यहाँ पे शोरूम पे काम अच्छा है, क्योंकि माशाल्लाह से यार पहले दिन से यहाँ पे ग्राहक आने स्टार्ट हुए हैं, और पिछले जो प्रीवियस जो इधर ऑनर थे जो काम कर रहे थे यहाँ पे, कस्टमर यानी कि ज़्यादा उनके कस्टमर भी हैं, क्योंकि अभी ना उनके नाम पर है शोरूम यानी कि PDA। मैंने आपको प्रीमियर डिलक्स मोटर स्पोर्ट आपको बताया था, और फिर ये माइकल ने बाय कर लिया, अभी हम वही नाम इसका कंटिन्यूस कर रहे हैं, और उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है। और साथ साथ यार हमने गाड़ियाँ सेल करने के साथ साथ यानी कि ऑटो रिपेयर शॉप भी साथ में ही रखी हुई है, तो सारी सर्विसेज हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं। और साथ यार मैंने मैनेजर से यानी उस दिन हम बैठे हुए थे और हमने डिस्कस किया, वो यार फातों में भी गाड़ी लग गई थी, और चलो भाई लाइट ग्रीन है तो ये क्यों खड़ा है यहाँ पे, चलो निकलो निकलो। ओ यार ये तो आगे से क्या नहीं दे रहे, सबर क्या इसका लाइट करते हैं, ये लो हुआ अच्छा हुआ। अब यार ये जा रहा है, देखो अब रेड पे भी जा रहा है, चलो हम तो चलते हैं, ये तो चला गया। हाँ मैं कह रहा था कि मेरी यानी कि मैं और मैनेजर साहब जो शोरूम पर हैं, हम बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे यानी कि इस बारे में के साथ जो यानी कि यूज़ गाड़ियाँ आती हैं उनका उनको सेल करने का भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास आती हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ लेके आते हैं कि हमारे पास यानी कि गाड़ी है इतने महीने यूज़ है या इतने महीने और इसे सेल करना है। बाज़ अवकात यार कोई यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता न्यू कार, तो वो यूज़ में ले लेते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब साथ साथ जो है यूज़ कार को भी सेल करने का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इसी पर, क्योंकि हमने कोशिश करेंगे कि जो गाड़ियाँ हमने इंपोर्ट करवानी हुई या अपने शोरूम के लिए मंगवानी हुई वो यानी कि कम रख लेंगे, हाँ यानी कि उनकी तादाद कम कर लेंगे, और फिर जो हमारे पास देखेंगे जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं यानी कि यूज़ में सेकंड हैंड जिन्हें बोलते हैं, वो यानी कि यूज़ में जो सेल होने के लिए आती हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए वो चले फिर साथ साथ करेंगे। इतना यार ये शोरूम पर हम आ गए हैं, और यार इधर पायर पार्किंग एरिया में मैं गाड़ी लगाता हूँ, इधर ही बाहर, हाँ यार के गाड़ियाँ कुछ बाहर, हाँ ये गाहक आए हुए हैं भाई जान, देख लो यार आज तो लगता है पैसे ही पैसे हैं, तो ये गाहक हैं। और यार ये GLI वगैरह जो खड़ी है ये मेरी नहीं है, ये मुझे लगता है जो कस्टमर आए हुए हैं ये उनकी है, मैंने इन्हें कहा था कि 3-4 गाड़ियाँ बाहर भी खड़ी कर देना, तो इन्होंने 3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी की हुई है और शायद 2-3 अंदर हैं। मैं चलता हूँ यार अंदर की तरफ और अंदर देखते हैं क्या, ये देखेंगे इस, हाँ शबर पहले इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से, ये GLI खड़ी है, ये शायद इनकी है जो इस साइड पे वेगनार को देख रहे हैं खड़ी है। यार ये चेक कर रहे हैं यार इसके डोर, यानी कि फैमिली यूज़ में ये कार कैसी रहेगी, और यार ये फैमिली के लिए भाई जान इसे ले जाओ, हाँ हम देख रहे हैं साथ साथ, हाँ देखो देखो ये देख रहे यार इसमें स्पेस यानी कि बैक में ट्रंक में कितनी स्पेस आ रही है भाई, आपके लिए ज़बरदस्त है वही भाई जान, हम देख रहे हैं क्या चीज़ इसमें अच्छी है। चलो वाह देखो देखो यार आराम से देखो, पसंद आए तो बात करो, आओ अंदर ही आओ, हम अंदर ही हैं। ये गाइस ये कस्टमर आए हुए हैं, और ये गाड़ियाँ जो है ये उनकी है, और जो वेगनार है ये हमारी है,
और यार वो रिवो तो मेरी अपनी अभी मैं लेके आया हूँ। चलो मैं अंदर चलता हूँ और देखते हैं अंदर कस्टमर वगैरह बैठे हुए हैं कि नहीं। चले गाइस, ये वैगनार बाहर निकाल के रखी हुई है और तीन वैगनार अंदर है शायद सफ़ेद वाली का, यानी कि कोई बातचीत। अस्सलामुअलैकुम। हाँ बॉस आ गए आप? हाँ यार आ गया। बैठो। हाँ बॉस कैसे हैं? शुक्र अलग है यार, तुम ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम भाई। ठीक है भाई जान। अच्छा इस तरह को मैं मैनेजर साहब से बात कर रहा था कि उन्होंने कहा ऑनर यानी कि आप आएंगे तो फिर हम आगे मज़ीद बात करेंगे, तो ये वाइट वाली वैगनार मैं बाय करना चाहता था। हाँ ज़रूर आप बाय करें भाई जान। मैंने बॉस मैंने इनको बताया था कि ये वैगनार ये कह रहे थे पहले इंस्टॉलमेंट पे, फिर उन्होंने कहा है कि कुछ यानी कि हम पेमेंट फुली कर लेता हूँ। पहले कह रहे थे इंस्टॉलमेंट पे आप किस तरह दे देंगे। वो यार मैं तुम्हें पैकेज आपको दिखाया था, वो जो सारा यार हमने डिटेल में किया था जितना भी हिसाब वो बताया थे ने। हाँ बॉस वो मैंने सारा बता दिया था, फिर उन्होंने कहा ये ज़रा फिर ज़्यादा बनता है, तो हम ऐसा करते हैं कि एडवांस में यानी कि फुल पेमेंट करके गाड़ी ले लेते हैं। हाँ ये तो ठीक है। वो भाई मैंने सारे पैसे लाए हूँ और ये आप गाड़ी मुझे चल रहा यार। आपको गाड़ी मुबारक हो। वो आप अब इंशाल्लाह कागजात जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह से, तो बहुत बहुत मुबारक हो यार आपको गाड़ी। और खैर भाई जान शुक्रिया। तो चले गई तो ये गाड़ी तो हमारी चली गई वैगनार, और ये भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। और वीडियो पसंद आई इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह अपनी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।